Guess what? We are homeless in Seoul. Hi guys, guess what? We are homeless in Seoul. ये जो आप घर देख रहे हैं मेरा घर नहीं है, मेरी दोस्त का घर है और मेरे पास अभी घर नहीं है। मेरे चैनल पे आप वीडियो देखे होंगे अपार्टमेंट टूर, वो 6 महीने पहले का था। वो घर हम छोड़ चुके हैं क्योंकि 6 महीने पहले हमको इंडिया वापस जाना था और उसका घर का रेंट हम नहीं दे सकते थे 6 महीने तक, बेकार का, और कोई रहने वाला भी नहीं था तो घर छोड़ना पड़ा था। और वापस हम लोग हाउस हंटिंग करना है क्योंकि 6 महीने का कोर्स और बचा हुआ है। यहाँ का रेंट और इंडिया का दहेज एक बराबर है, तो होपफुली आई गेट अ गुड हाउस। Let's go, shall we? Kunyeolinga 네가 만나 잘던 날이 그 시간이 흐르나 너와 나 생각해봤어 무슨 일일까 아니 무슨 말을 할까 아니 무슨 옷을 입을까 그렇게 금요일이 왔어 2000 years later Guys, I have reached हमको रियल एस्टेट जो अंकल हैं उनसे मिलना है और वो हमको बुला रहे हैं। फिर उनकी गाड़ी में बैठ के हम लोग रूम देखने जाएंगे अपेरेंटली, तो हमको नहीं पता कि कहाँ है। कमसामिदा कराने शिल्लिम योगी जेल 좋으신가요? 네 신축으로 그러니까 뉴빌딩으로 가려면은 베리 익스펜시브. Where should I live? The subway? Should I live on the subway? Guys, हम जो प्राइस रेंज बताए हैं उसमें लोग उन लोग के पास रूम ही नहीं है। अगर है तो वो पूरा पुराना बिल्डिंग है जिसमें एकदम गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और नया बिल्डिंग है जिसको मतलब कि हिलने का जगह, मतलब बेड से उतरो और गेट आ जाएगा वैसा वाला जगह। I can't live in Seoul, bro. Is this the second day I came to see the houses? Because कल एक भी हाउस पसंद नहीं आया उसमें से। तो ये जो रियल एस्टेट मैनेजर है, एजेंट है सॉरी, वो हमको बोले कि कल आना और वो पूरा मेरे हिसाब से कितने रेंज में चाहिए वो सॉर्ट आउट करके रखे। और आज हम लोग घर देखने जा रहे हैं, तो लेट्स सी। सब लत पे छोड़ दिए हैं हम, हमको ये दो ऑप्शन दिए, या तो आपको न्यू बिल्डिंग चाहिए जो कि छोटा रूम रहेगा, इस रूम से भी छोटा रूम रहेगा जिसमें किचन बाथरूम सब रहेगा, या फिर ओल्ड बिल्डिंग चाहिए जो उसमें थोड़ा सा सनलाइट आएगा। तो मेरा प्रायोरिटीज़ था कि हमको थोड़ा सनलाइट वाला रूम चाहिए क्योंकि हमको क्लॉस्ट्रोफोबिया और हमको और एंगजाइटी में नहीं रहना है, तो थोड़ा सनलाइट आने वाला रूम चाहिए। तो हम ओल्ड बिल्डिंग चुन लिए क्योंकि थोड़ा दिन का ही बात है, अब कमाएंगे तो देखा जाएगा, लेकिन लेट्स सी क्या मिलता है आज हमें। और फाइनली कंप्यूटर से आगे बढ़ के वो हमको जाके रूम दिखाने के लिए गया। ये हमारा पहला रूम था, इसका थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा था लेकिन एक ज़रा सा सनलाइट नहीं आता था, बहुत कंजेस्टेड एरिया था। और मैट्रेस दिया हुआ था रूम में, लेकिन लैंडलॉर्ड को कॉल किया गया तो लैंडलॉर्ड बोला कि मैट्रेस निकाल दिया जाएगा रूम से, तो आप लोग अपना देखिए। ये दूसरा रूम था जहाँ पे किचन एरिया इतना छोटा था कि हम खाना बनाने की सोच सकते थे या फिर नहीं भी बना पाते हम। और इसका रूम का तो हालत आप लोग देख ही रहे हैं, चीनी के डब्बा जैसा है। उफ़, ये दिख गया आपको। तीसरा रूम का हालत कुछ ऐसा था कि वहाँ पे कोई पहले से रह रहा था या फिर किसी का स्टूडियो था, या कि रूम का इतना सारा सामान था कि पता लग गया था कि बेड रखने का बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो ये रूम तो अब बिग नो था। चौथा रूम हम उनको बोले थे और नया बिल्डिंग दिखाना, तो बोला कि चीनी के डब्बा से भी छोटा है, मतलब यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो गया है रूम, और इसका बाथरूम इतना छोटा है। Oh my god guys, I really hate that I came back to Korea. I don't know, I am very grateful in general, I'm very positive person, पर अभी जो हमको गुस्सा आ रहा है ना guys, मेरा जो room था आप लोग देखे होंगे tour, वो room के price में एक भी room नहीं है जो अच्छा है। जितना मैं आपको दिखाया है सारा room वैसा ही मिल रहे हैं, एक भी रूम अच्छा नहीं है। और बोलते हैं क्या कि इस रेंज में अब रूम नहीं मिलेगा सऊल में, सऊल में ऐसा ऐसा हो रहा है, सऊल में पैसा बढ़ गया, सऊल बहुत एक्सपेंसिव हो गया। माय गॉड गाइस, आई एम शेकिंग। वो बोला है कि थोड़ा सा पैसा बढ़ा के आपको थोड़ा सा अच्छा बड़ा सा रूम मिल सकता है। आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, बट आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। उनको कुछ बोल के आए हैं, लेकिन दिस इज द सिचुएशन गाइज। इफ यू वॉन्ट टू लिव इन कोरिया, दिस इज द रियालिटी ऑफ लिविंग इन कोरिया। दिमाग का पेटी बांध के आना अगर कोरिया में रहना है तो, क्योंकि
पैसा जाएगा पक्का. तुम लोग प्लीज मेरा वीडियो देखो, देखिए हम पैसा दे पाए. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. और हम बोलना भूल गए, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, अपने दोस्तों से भी करवाओ. ठीक है, आई एम गोइंग टू बी कंसिस्टेंट नाउ. ओके, लास्ट वीडियो देख लो कब आया था और ये वीडियो आ गया जल्दी, मतलब अब आने वाला है. बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस. आई नीड मनी एंड लव यू, बाय. अब हम बाल बाल खींच, अंदर से हाथ डाल, रोने वाला सूरत. हाँ वो मेरा था बाल ना, इतना भी नहीं. चिंपैंजी है क्या, उसको पकड़ा. वो ये मेरा सामान है, घर से तो निकाल दिया है कोई. नहीं नहीं मैंने